हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीबीएस द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, कल जो आपका जेईई मेन का सेकंड शिफ्ट का पेपर था, उसमें एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा क्वेश्चन पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन जो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, फिर हम ऐसा बोले कि पहले कभी नहीं पूछा गया ना। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता चला कि सर ये पूछना क्या चाह रहा है। आंसर की तो बाद की बात है, पहले पूछना क्या चाह रहा है, कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन है, क्या ये मैथ्स का क्वेश्चन है या कुछ और हटके तो क्वेश्चन नहीं है। और जैसे कि मेरी काफी बच्चों से बात भी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जो अपना जेईई मेन स्पेसिफिक चैप्टर होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, क्या उससे क्वेश्चन पूछा गया था? तो कहते नहीं सर, उससे तो सवाल ही नहीं है। तो बेटा एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग वाले चैप्टर से ही है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी बन जाती तो फिर इस क्वेश्चन को करना आसान था। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं कि कैसे सोल्व करना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का आपकी जो आने वाली शिफ्ट में पेपर है, उनको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए क्वेश्चन जो है उसको ऐसे भी मोल्ड जो वो किया जा सकता है। तो पहले तो यार इस क्वेश्चन पे आने से पहले देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्चुअली यूज जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, इफ देन का यूज आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए इफ देन के लिए आप ये वाला सिंबल जो यूज करते हो, इफ पी देन क्यू। अब इसके बाद में आपकी को इसकी ट्रू टेबल का बारे में पता होना चाहिए कि ये जो दो स्टेटमेंट है इफ पी देन क्यू, इनका रिजल्टेंट आपके पास में कब ट्रू होता है, कब फॉल्स होता है। तो बेटा देखो बड़ा ही सिंपल है, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो भी ये ट्रू होता है, अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो भी ये ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो भी ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है उस केस में जाके ये फॉल्स होगा। मैंने एक मैथमेटिकल रीजनिंग का एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था, मैंने बोला था कि अगर ये कर लोगे तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे मैंने इसको याद रखने की अच्छे से तरीका बताया था कि कैसे आप या जो याद रख सकते हो। तो चलिए ये पूरी कहानी है ट्रू टेबल के बारे में, आपको इसका आइडिया लग गया। अब बच्चों स्टेटमेंट पे आते हैं। जैसे यहां पे स्टेटमेंट में फर्स्ट बोला गया इफ 2 + 4 = 7, ऑब्वियसली बात है कि ये गलत है, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे बच्चों आपने इफ वाला स्टेटमेंट देखा और ये फॉल्स हो गया, तो क्यू पे डिपेंड ही नहीं करता कि क्यू स्टेटमेंट जो ट्रू है या फॉल्स है। क्लियरली देखो यहां पे दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, दोनों ही केस में रिजल्टेंट जो वो कैसा आ रहा है, ट्रू आ रहा है। देखना भी चाहो तो देख भी सकते हो, ये स्टेटमेंट जो वो भी फॉल्स है, तो इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो स्टेटमेंट आपके पास में कैसा आएगा, ट्रू। चलिए स्टेटमेंट बी की बात करते हैं। स्टेटमेंट बी में बच्चों यहां पे लिखा इफ 3 + 5 = 8, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो वो आपके पास में कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब जब ये ट्रू है तो फिर आपको स्टेटमेंट क्यू जो है उसके बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे देखो क्लियरली दिख रहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है तब ये फॉल्स भी हो सकता है, स्टेटमेंट ट्रू है तब ये ट्रू भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट क्यू कैसा गिवन है। तो भाई बड़ी सिंपल बात है कि यहां पे देखो स्टेटमेंट क्यू में बोला गया देन अर्थ इज फ्लैट, तो बच्चों अर्थ फ्लैट तो नहीं है, मतलब अगर साइंस की बात करें तो हम क्योंकि सभी साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के अकॉर्डिंग तो अर्थ जो फ्लैट नहीं हो सकती है। अब आपके खुद की बात अलग है कि आप अर्थ को फ्लैट समझते हो कि नहीं समझते हो, बट हाँ अर्थ फ्लैट नहीं होती तो ये स्टेटमेंट जो आपके पास में फॉल्स। तो देखो ओवरऑल कौन सा है, ये ट्रू है आपके पास में, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट का रिजल्टेंट जो वो कैसा आएगा बच्चों, फॉल्स। तो स्टेटमेंट बी जो है वो आपके पास में कैसा आ गया, फॉल्स। चलिए थर्ड वाले की बात करते हैं, इफ ए एंड बी, यहां पर देखो एक और आपके पास में सिंबल यूज हो रहा है एंड, तो इफ ए एंड बी, ए एंड बी स्टेटमेंट का मतलब बच्चों ये वाला साइन हो गया, तो ए एंड बी स्टेटमेंट जो वो ट्रू कब होता है, जब स्टेटमेंट ए एंड बी जो है वो दोनों के दोनों आपके पास में ट्रू हो, सिर्फ उसी केस में ये कैसा आता है, ट्रू आता है। जबकि यहां से क्लियरली दिख रहा है कि स्टेटमेंट बी जो था वो फॉल्स था, स्टेटमेंट ए जो था वो ट्रू था, तो अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो उन दोनों के बीच में अगर एंड लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट स्टेटमेंट बच्चों कैसा आएगा आपके पास में, फॉल्स आएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। आगे देन अगेन देखो, अब जब स्टेटमेंट पी जो वो फॉल्स हो गया, तो अब चाहे यहां पे क्यूब में कुछ भी लिखा हो, चाहे वो ट्रू लिखा हो चाहे वो फॉल्स लिखा हो, रिजल्टेंट जो है वो तो बेटा ट्रू ही आना है। वैसे देख भी सकते हो 5 + 4 = 11 नहीं होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो वो भी कैसा हो गया, फॉल्स। वैसे जिस बच्चे से लिया गया था तो उसको मतलब एग्जैक्टली याद नहीं था कि 5 + 4 = 11 दिया है या कुछ और दिया, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना भी कि एग्जैक्टली क्या था। बट अगेन यहां पे 5 + 4 = 11 गिवन हो या 5 + 6 = 11 गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, उस पे उसका इफेक्ट जो वो नहीं आएगा। अगर ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, इफ वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो चाहे देन वाला स्टेटमेंट बेटा फॉल्स हो या फिर ट्रू हो, दोनों ही केस में स्टेटमेंट जो वो क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। ये आपका क्वेश्चन था। तो इसका मतलब स्टेटमेंट ए एंड सी जो है वो आपके पास में कैसे हैं, ट्रू, और स्टेटमेंट बी जो है वो बच्चे आपके पास में फॉल्स। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपके पास में इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में काफी मजा आया होगा। अगर इस टाइप के और भी क्वेश्चन कुछ आपको लगता है कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो थोड़े अलग से क्वेश्चन पूछे गए थे, या फिर ऐसा लगता हो आपको लगता हो कि ये क्वेश्चन सर बहुत डिफिकल्ट था, इसको इजी वे में कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जरूर बच्चों उस क्वेश्चन को हम लोग जो वो एंटरटेन करेंगे। ओके बच्चों।